हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग 2019 के शिखर वार्ताएं और सम्मेलनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले सितंबर माह की देखते हैं हम लोग। 20वीं भारत रूस शिखर सम्मेलन वार्ता व्लादिवोस्तोक में संपन्न हुई है। 20वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित हुआ है। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की उपस्थिति में कई क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला है, भारत पहली बार यूएनसीसीडी के COP14 की मेजबानी कर रहा है। भारत पहली बार यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिस्टिफिकेशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP14 की मेजबानी कर रहा है। यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 14वां सत्र ग्रेटर नोएडा के इंडिया मार्ट एंड एक्सप्रो में शुरू हुआ है। सम्मेलन 2 सितंबर से शुरू हुआ और 13 सितंबर 2019 को समाप्त होगा। वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। अगला है, ए बेब की चौथी महासभा बेंगलुरु में आयोजित हुई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 3 सितंबर 2019 को बेंगलोर में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की चौथी महासभा की मेजबानी की है। भारत 2019-21 की अवधि के लिए ए बेब की अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अगला है हमारा, दक्षिण पूर्वी पूर्व एशियाई के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 72वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। समिति इस क्षेत्र में WHO की मेडल लेने वाली सर्वोच्च शासी संस्था है। डॉक्टर हर्षवर्धन को सर्वसम्मति से दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है हमारा, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप इन ए चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर प्रायोरिटीज प्रॉस्पेक्ट एंड चैलेंज पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा आयोजित किया गया है। अगला, इंडिया न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्कशॉप नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। एक संयुक्त इंडिया न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्कशॉप नई दिल्ली में आयोजित की गई है। वर्कशॉप का आयोजन भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ NDB के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया गया है। NDB विकासशील देशों उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित पहला बहुपक्षीय विकास बैंक है। अगली हमारी, जापान रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक टोक्यो जापान में आयोजित हुई है। रक्षा मंत्री जगन राजनाथ सिंह ने जापान के टोक्यो में आयोजित जापान भारत रक्षा मंत्री बैठक की सह अध्यक्षता की। जापान के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व जापान के रक्षा मंत्री श्री ताकेशी लावाया ने किया। अब अगस्त की बात करें तो अगस्त माह में जो सम्मेलन हुए, 45वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के विया रिटज में आयोजित किया गया। G7 शिखर सम्मेलन का 45वां संस्करण 24 से 26 अगस्त 2019 तक फ्रांस के विया रिटज में आयोजित किया गया। यह फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा के साथ यूरोपीय संघ के बीच एक अनौपचारिक बैठक है। भारत को शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में पर्यावरण, जलवायु, महासागर और डिजिटल परिवर्तन पर सत्र को संबोधित करेंगे। 46वां सत्र G7 शिखर सम्मेलन दो वर्ष 2020 में अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। 46वां सत्र G7 का 2020 में अमेरिका में आयोजित होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2019 का चौथा संस्करण डिजिटल प्रौद्योगिकी पर भारत का सबसे बड़ा समागम इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2019 का चौथा संस्करण
बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। इसका विषय रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को मुख्य धारा में लाना। अगला है हमारा 2019 इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुई है। कॉन्फ्रेंस का विषय रहा है एक मुक्त खुले हिंद महाप्रशांत में सहयोग। अगला है हमारा 7वां सामुदायिक रेडियो सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय रहा है SDG के लिए सामुदायिक रेडियो। अब हमारा अगला है 12वां भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित की हुआ है। भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय रहा है नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की ओर था। अगला हमारा ब्राजील में जलवायु परिवर्तन पर 28वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है। बेसिक देशों ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन ने साओ पाओलो ब्राजील में हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अपनी 28वीं मंत्री स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। अगला हमारा साओ पाओलो ब्राजील में आयोजित पर्यावरण सभा के 5वें ब्रिक्स मंत्री हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। अगला हमारा उदयपुर भारत का सबसे बड़ा विचार मंथन समारोह की मेजबानी करेगा। भारत के सबसे बड़े शिक्षा विचार मंथन कार्यक्रम का तीसरा संस्करण इसको न्यूज ग्लोबल एजुकेटर्स फर्स्ट का आयोजन झीलों का शहर उदयपुर में किया जाएगा। समारोह की विषय वस्तु शिक्षा के लिए निरंतरता अनुपालन से सृजनात्मकता पर आगे बढ़ना है। अगला हमारा तीसरा अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन संगोष्ठी मानेसर में आयोजित किया गया है। तीसरे अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव का उद्घाटन हरियाणा के मानेसर में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में किया गया। अगला हमारा बैंकॉक में 10वां मेकांग गंगा सहयोग विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थाईलैंड के बैंकॉक में 10वें मेकांग गंगा सहयोगी में भाग लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने IIT दिल्ली में प्रौद्योगिकी एक्सपो का उद्घाटन किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम नवाचार का प्रदर्शन करने के लिए IIT दिल्ली में प्रौद्योगिकी एक्सपो का उद्घाटन किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2019 का आयोजन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होगा। 12 अक्टूबर 2019 से शुरू होने वाला 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2019 श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा, जो राज्य को अपनी शक्ति रणनीतिक और क्षमता दिखाने का अवसर प्रदान करेगा। अगला हमारा दक्षिण पूर्व एशिया के विदेश मंत्री 52वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया के विदेश मंत्री बैंकॉक में 52वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच क्षेत्र में व्यापारिक और बोलेस्टर समृद्धि के विस्तार के लिए गहन एकीकरण के लिए मेजबान थाईलैंड से एक आह्वान के साथ वार्षिक बैठक का आयोजन किया। शिलांग मेघालय में ई गवर्नेंस का 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय रहा है डिजिटल इंडिया सफलता से उत्कृष्टता। अब जुलाई की बात करते हैं, तो जुलाई में जो सम्मेलन हुए हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन मंत्री स्तरीय बैठक वेनेजुएला के काराकस में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस आंदोलन में 125 सदस्य और 25 पर्यवेक्षक देश थे। NAM का मुख्यालय मध्य जकार्ता इंडोनेशिया में। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2019 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित की गई। भारत के प्रतिनिधित्व जनरल बीके सिंह ने किया। वह सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों में शामिल है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका।
तो याद रखिए पांच देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 2020 में विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र। फूजो शहर चीन 2020 में विश्व विरासत समिति के 44वें सत्र की मेजबानी करेगा। बाकू अजरबैजान में विश्व धरोहर समिति की बैठक 2019 के 43वें सत्र 30 जून से 10 जुलाई 2019 तक के आयोजन में यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने घोषणा की कि चीनी शहर फूजो 2020 में विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र की मेजबानी करेगा। अगला है लखनऊ डेफ एक्सपो 2020 की मेजबानी करेगा। लखनऊ 5 फरवरी से 8 फरवरी 2020 तक डेफ एक्सपो के 11वें द्विवार्षिक संस्करण की मेजबानी करेगा। एक्सपो का फोकस रक्षा के डिजिटल परिवर्तन पर होगा। डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का मुख्य विषय है भारत उभरता रक्षा विनिर्माण केंद्र। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2019 नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। विषय रहा इस बार शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चुनौती। अगला है 19वें राष्ट्रमंडल के राष्ट्रमंडल विदेश मामलों के मंत्रियों की बैठक लंदन ब्रिटेन में आयोजित की गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में भाग लिया। अगला है भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला 14वां दलों का सम्मेलन को भारत उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 2 से 13 सितंबर 2019 तक 14वें दलों के सम्मेलन कॉप की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मरुस्थलीय भूमि क्षरण और सूखा। अगला है हमारा मीडिया स्वतंत्रता। मीडिया की स्वतंत्रता के लिए पहला वैश्विक सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। यूके और कनाडा को सम्मेलन की सह मेजबानी दी गई। यूएसए स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम द्वितीय वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन वॉशिंगटन यूएसए में आयोजित हुआ है। अगला है काठमांडू में आयोजित भारत नेपाल लॉजिस्टिक समिट। भारत नेपाल लॉजिस्टिक समिट का आयोजन नेपाल में 28 जुलाई 2019 को किया गया। इसका उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया है। शिखर सम्मेलन के लिए के विषय था ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2019 ओसाका जापान में हुआ है। शिखर सम्मेलन 28 से 29 जून 2019 को आयोजित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री शेरपा सुरेश प्रभु ने जापान के ओसाका में G20 शिखर शेरपा बैठक में भाग लिया। सिस्टर सिटी समझौता अहमदाबाद और कोबे के बीच एलओसी साझा के किए गए अहमदाबाद और जापान के शहर कोबे के बीच एक सिस्टर सिटी समझौते के लिए एक लेटर ऑफ इंटेल का आदान प्रदान किया गया। ओसाका टेक भारत दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ओसाका टेक का बहिष्कार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक लाभ हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी को अधिकतम सीमा तक ले जाने के लिए ओसाका में आयोजित G20 बैठक में 5 परिकल्पना पेश किए। 5 परिकल्पना है इंक्लूजिवनेस, इंडिजिनेशन, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अगले 5 वर्षों में भारत का लक्ष्य $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है और 5 वर्षों में 50,000 स्टार्टअप स्थापित करना है। भारत जापान की सहायता से मुंबई और अहमदाबाद के बीच अपनी बुलेट ट्रेन चलाने की भी योजना बना रहा है। प्रतिभागी हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य और रूस, सऊदी अरब, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय सूरज मुखी बीज तेल सम्मेलन 2019 का तीसरा संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय सूरजमुखी बीज एवं तेल सम्मेलन 2019 के तीसरे संस्करण की मेजबानी महाराष्ट्र के मुंबई में करेगा। अगला है G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में अगस्त 2019 में आयोजित किया जाएगा। अगस्त 2019 में
फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीआर रिटिज में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन का आउटरीच सत्र में एक विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर स्वीकार किया गया। अब पहली बार IICTF भारत में आयोजित होगा। पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला नई दिल्ली में भारत में आयोजित होगा। यह किसानों, कारीगरों और सहकारी समितियों के अन्य सदस्यों को सीधे वैश्विक व्यापार क्षेत्र में ले जाने की एक अनूठी पहल है, जो 11 से 13 अक्टूबर 2019 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। अब हमारा जून में हुए सम्मेलन और बैठकें। G20 वित्त मंत्रियों की बैठक, फुकुओका जापान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जापान में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक में भाग लेंगे। अगला हमारा व्यापार एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 की मंत्री स्तरीय बैठक, त्रिसुकुवा जापान। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया है। 2019 में जापान में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जापान इस साल ओसाका शहर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। G20 ओसाका शिखर सम्मेलन जापान में 28 से 29 जून 2019 तक आयोजित किया जाएगा। जापानी प्रेसिडेंस के तहत शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित भविष्य समाज विषय के आसपास केंद्रित है। अगला हमारे कैम्बरल प्रक्रिया के अंतर्राष्ट्रीय बैठक मुंबई में आयोजित किया गया था। भारत कैम्बरले प्रक्रिया पेमार्डन योजना के संस्थापक सदस्यों में से एक, वर्तमान में KPSC में 55 सदस्य हैं जो 82 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें यूरोप सहित 28 देश शामिल हैं। कैम्बरले प्रक्रिया एक संयुक्त पहल है जिसमें सरकार, अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग, नागरिक समाज शामिल हैं, जो संघर्ष हीरे के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है। संघर्ष हीरों का अर्थ है कि विद्रोही आंदोलन उनके सहयोगियों द्वारा संघर्ष का वित्त पोषण करने हेतु प्रयोग किया जाने वाला कठोर हीरे, जिनका उद्देश्य वैध सरकारों को कमजोर करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में भी वर्णित किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2019 अगस्त 2019 में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 45वां G7 शिखर सम्मेलन 25 से 27 अगस्त 2019 को बियारिट्ज नोवेले एक्वेटेन फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। G7 में देश शामिल हैं चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वर्ष 1981 से सभी बैठकों और निर्णयों लेने में स्थायी रूप से स्वागत करने वाले प्रतिभागी रहे। G7 शिखर सम्मेलन 8 से 9 जून 2018 को ला माल्वे क्यूबेक कनाडा में आयोजित किया गया था। दूसरा वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन, यह सम्मेलन 6 से 8 जून 2019 के मध्य ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। भारत एक प्रतिनिधिमंडल था जिसका अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्ति मंत्री थावर चंद गहलोत ने की थी। प्रथम वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन का यूके के लंदन में आयोजित किया गया था। 14वां इस्लामिक सहयोग शिखर सम्मेलन संगठन का आयोजन सऊदी अरब के मक्का में किया गया था। अगला हमारे नीति आयोग की शासी परिषद की 5वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नीति आयोग की शासी परिषद की 5वीं बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया का नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में 1 से 4 नवंबर 2019 के मध्य वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जो भारत को विश्व के खाद्य प्रसंस्करण गंतव्य के रूप में स्थान प्रदान करेगा। इस आयोजन का टैगलाइन है विकास हेतु साझेदारी करना। अब अगला हमारा मई के सम्मेलनों की बात करें, जो वार्ताएं हुई है वो भी संयुक्त राष्ट्र लिस्बन में 2020 महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास लक्ष्य 14 महासागरों और
समुद्रों और समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग और संरक्षण के कार्यान्वयन का समर्थन करने हेतु पुर्तगाल के लिस्बन में अपने 2020 उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया है। 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगी। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय निर्माण संस्था है। भारत और ईरान के मध्य 11वीं संयुक्त वाणिज्य द्वितीय समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगली हमारी तापी पाइपलाइन बैठक का तुर्कमेनिस्तान में आयोजन किया गया था। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत गैस पाइप की लाइन की बैठक असगावाद तुर्कमेनिस्तान में आयोजित की गई थी। तापी गैस पाइपलाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान में आयोजित किया गया जाएगी। तापी गैस पाइपलाइन के संदर्भ में कुछ जान लें। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत पाइपलाइन को ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के रूप में भी जाना जाता है। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा विकसित एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। 24 अप्रैल 2008 को पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान ने तुर्कमेनिस्तान से प्राकृतिक गैस खरीदने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला हमारा किर्गिस्तान ने बिश्केक में विदेश मंत्रियों की परिषद की SCO बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में सुषमा स्वराज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सीमा सुरक्षा बल BSF के 17वें निवेश समारोह का नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया है। अगला हमारा विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है नई दिल्ली, भारत में। विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र में सीमा शुल्क प्रशासन के क्षेत्रीय प्रमुखों की बैठक कोची में आयोजित हुई है। RBI के साथ 15वां वित्त आयोग की बैठक मुंबई, महाराष्ट्र में हुई है। एशिया सहकारिता संवाद की 16वीं मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित दोहा कतर में हुई है। बैठक का विषय रहा है विकास में भागीदारी। अगला जलवायु संकट पर चर्चा के लिए G7 ग्रुप ऑफ सेवन पर्यावरण मंत्रियों की बैठक मेट्स फ्रांस में हुई। नोट, G7 ग्रुप में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी देश शामिल हैं। अब अप्रैल की हमारी जो सम्मेलन हुए हैं वार्ताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। सऊदी अरब वर्ष 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब दुनिया में पहली बार G20 बैठक 21 से 22 नवंबर 2020 तक अपनी राजधानी रियाद में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले जापान इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ओसाका 28 से 29 जून 2019 में करेगा। अभी हो गई ना। इटली वर्ष 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत अपनी आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। G20 ग्रुप ऑफ 29 देशों और यूरोपीय संघ की सरकारों, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए अंतरराष्ट्रीय फॉर्म है। इसकी स्थापना 1999 में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के संवर्धन से संबंधित नीति पर चर्चा करने के उद्देश्य से की गई थी। वैश्विक जल शिखर सम्मेलन 2019 लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। बेल्ट एंड रोड फॉर्म का दूसरा संस्करण बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का विषय रहा है बेल्ट एंड रोड कॉर्पोरेशन शिपिंग एंड ब्राइटर शेयर्ड फ्यूचर। अगला हमारा जलवायु गतिविधि और आपदा तत्परता पर 5वीं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मीडिया समिट का आयोजन काठमांडू, नेपाल में हुआ है। 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय रहा है मीडिया सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सेविंग लिव्स, वर्ल्डिंग रेसिलियंस कम्युनिटीज था। अगला हमारा विश्व की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शिखर सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। नोट है, इसमें पहली AI एवरीथिंग का उद्देश्य सरकार, व्यवसाय और समाज के भविष्य पर वैश्विक संवाद को सशक्त बनाना है। रेजिलेंट
सिटीज इन एशिया पैसिफिक कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 17वीं मध्य पूर्वी उत्तर अफ्रीका विश्व आर्थिक मंच आयोजित हुई है जॉर्डन में। अब मार्च में 2019 में जो वार्ताएं हुई है सम्मेलन, फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नीति आयोग ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। कॉन्क्लेव का क्लेव का उद्घाटन आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने किया है। पहली बार ब्रिक्स ब्राजील रूस भारत कौन कौन ब्राजील रूस भारत चीन दक्षिण अफ्रीका शेरपा बैठक आयोजित की गई है कोटिवा ब्राजील में। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 ब्राजील के राजधानी ब्राजीलिया में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2020 में रूस में 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स सदस्य देशों में शामिल है ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला है हमारे इस्लामिक सहयोग संगठन की विदेश मंत्री परिषद का 46वां सत्र हुआ है अबू धाबी यूएई में। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया है। अगला हमारा भारत अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 14वां सीआईआई एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। हमारा अगला है अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। फरवरी माह की वार्ताओं की बात करें तो एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और जीवन बीमा फोरम का 16वां संस्करण बायो एशिया 2019 आयोजित हुआ हैदराबाद तेलंगाना में। सम्मेलन का विषय रहा है लाइफ साइंस 4.0 डिस्ट्रप्ट द डिसरप्शन। इसका उद्घाटन तेलंगाना के राज्यपाल ESL नरसिम्हा द्वारा किया गया। एविएशन कॉन्क्लेव 2019 नई दिल्ली में हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। विषय रहा है फ्लाइंग फॉर ऑल। अगला हमारा राइजिंग इंडिया समिट 2019 नई दिल्ली में हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित नेटवर्क 18 राइजिंग इंडिया समिट को संबोधित किया और नए भारत के लिए अपना दृष्टिकोण रखा है। शिखर सम्मेलन का विषय रहा है बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफेंडिंग नेशनल प्रायोरिटीज। 4वीं ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। शिखर सम्मेलन की मेजबानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप के सहयोग से की गई है। अगला हमारा भारत बैंकिंग के भविष्य पर सम्मेलन। भारतीय बैंकिंग के भविष्य पर सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। नीति आयोग ने फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड वेलफेयर के साथ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है। अगला इंटरनेशनल विजन जीरो कॉन्फ्रेंस मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। अगला 8वीं विश्व CSR कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस 2019 मुंबई महाराष्ट्र में हुई। कॉरपोरेट रणनीति नवाचार और रणनीतिक गठबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2019 का विषय रहा है सतत विकास लक्ष्य। और डॉक्टर सुमित्रो चक्रवर्ती ने CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। 14वां भारत आसियान एक्सपो एवं शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अगली बात करते हैं 4था कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 सोनीपत हरियाणा में हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का विषय रहा है इंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस एग्री लाइड प्रोमिसिंग सेक्टर एंड एग्री सर्विस डायरेक्ट मार्केटिंग था। अगला हमारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। WSDS 2019 का विषय रहा है अटेनिंग द 2030 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन आवर प्रोमिस। अगला हमारा इसकी बात फिजी के प्रधानमंत्री फैंक बिनीमा रामा को फिजी के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2019 से सम्मानित किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा एवं संसाधन
संस्थान ने किया। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन तो राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी द्वारा किया गया था। अगला हमारा दो दिवसीय कार्यक्रम अर्ली एंड एड एशिया 2019 जो प्रारंभिक बचपन पे एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का आदर्श वाक्य है हमारे बच्चे हमारा भविष्य। अगला है भारत अमेरिका वाणिज्य संवाद भारत अमेरिका सीईओ फोरम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने बैठक की अध्यक्षता की। सरकारों का सातवां विश्व शिखर सम्मेलन मुंबई दुबई में आयोजित किया हुआ है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का सातवां सत्र आयोजित हुआ है। अगला है हमारा पहला लोएसिया मानव अधिकार सम्मेलन 2019 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहली बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से लोएसिया ने नई दिल्ली में अपने पहले लोएसिया मानव अधिकार सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न किया है। सम्मेलन का विषय रहा राज्य शक्ति व्यवसाय और मानव अधिकार समकालीन चुनौतियां था। अगला है हमारा 2019 एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने नई दिल्ली में 2019 एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चीन के बाद भारत में तरल प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत ने प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वीं पार्टियों के सम्मेलन पर वार्ता की मेजबानी की है। इसे 15 से 22 फरवरी 2020 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2020 में गुजरात में आयोजित होने वाले प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 13वीं सम्मेलन वार्ता के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शुभंकर घोषित किया। उन्होंने यह भी बताया कि पक्षी को मंत्रालय में स्नेहपूर्वक गीवी नाम दिया गया। हमारा अगला है उड़ीसा भुवनेश्वर में 5वां अंतर्राष्ट्रीय मान सुरक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ है। ध्यान दें कि चालू 5,264 बड़े बांधों और निर्माणाधीन 437 बड़े बांध के साथ बड़े बांधों की संख्या में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। अगला है हमारा क्रेडाई का यूथ कॉन 19 कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में क्रेडाई डाई यूथ कॉन 19 को संबोधित किया। यह आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई द्वारा आयोजित किया गया। इस यूथ कौन का विषय है अगली पीढ़ी। अब जनवरी की बात करें तो हम लोग जनवरी में जो सम्मेलन हुए हैं या शिखर वार्ता है वो है द्वितीय विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच 2019 गोवा में आयोजित हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री आयुष श्रीपाद यूसो नाइक ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस मंच के लिए विषय है होम्योपैथिक चिकित्सा उत्पादों का विनियमन वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाना। अगला हमारा ग्लोबल निवेशक बैठक 2019 चेन्नई में आयोजित की गई। अगला है नई दिल्ली में हमारे चुनावों को समावेशी और सुलभ बनाने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री अशोक लवासा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यह आयोजन 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर किया गया जो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ है। इस घटना का विषय रहा है वैश्वीकरण 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में एक वैश्विक वास्तुकला को आकार देना। अगला है हमारा 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ है। यह सम्मेलन सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक कृषि विषय पर केंद्रित था। अगला है हमारा 15वां प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 का विषय है नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। 19वां भारतीय फ्रेंड सम्मेलन 2019 आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। सम्मेलन का विषय रहा है फ्रेंड्स पर चर्चा नए आयाम। वर्ष 2019 के लिए प्रथम बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला है हमारा प्रथम वैश्विक विमानन शिखर वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। शिखर सम्मेलन का विषय रहा है सबके लिए उड़ान था। इस आयोजन फिक्की के सहयोग से नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया।
अगला है रायसीना संवाद का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। संवाद का विषय रहा है विश्व पुनर्व्यवस्था, नई ज्यामितियां, मधुर साझेदारी और अनिश्चित परिणाम। यह विदेश मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था। अगला है हमारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106वां सत्र जलंधर में आयोजित किया गया। 7 जनवरी 2019 को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर में संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसमें केंद्रीय विमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के भाग के रूप में महिला विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने किया। बच्चों के विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन इजराइल के नोबेल पुरस्कार विजेता औराम हसरको और संयुक्त राज्य अमेरिका से एव डंकन एम हल्दाने ने किया। तो चलिए, ये था 2019 में जो शिखर वार्ताएं हुई हैं, सम्मेलन हुए, वो सभी, उन सभी को देख लिया मैंने जनवरी से लेकर सेप्टेम्बर तक। अगले लेक्चर में बात करते हैं हम लोग महत्वपूर्ण समितियों के बारे में, 2019 में जो समितियां बनी हैं उनके बारे में देखते हैं।